हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना देखेंगे कि हम इस तरह का बुनाई किस तरह निटिंग में इस तरह का डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। इसको स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें फंदे चाहिए 3+6 के जोड़ों के फंदे। तो मैं इसमें सैम्पल के लिए 21 फंदे ले रही हूँ। 3+18 21, 21 फंदों से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको ये डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। ये देखिए, सैंपल के लिए मैंने 21 फंदे डाल लिए हैं, 21। अब इनको शुरू करेंगे। ये हमारी बुनाई उल्टी सिलाई से शुरू होती है, उल्टी सिलाई से। तो उल्टी सिलाई में पहले दो फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। तो ये पहला और दूसरा फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। अब इसके बाद अपना धागा पीछे कर लूँगी और 5 फंदों को बिना बुने उतार लूँगी अपनी दूसरी सिलाई के अंदर। ये 5 फंदे मैंने उतार लिए। अब इसके बाद अपने धागे को यहीं से वापस लेकर आऊंगी पीछे की तरफ। अब फिर एक फंदा उल्टा बुन लूंगी, फिर अपने धागे को पीछे करूंगी और 5 फंदे बिना बुने उतार लूंगी। अब फिर अपने धागे को आगे लेकर आऊंगी और एक फंदा उल्टा बुन लूंगी, फिर धागा पीछे करूंगी और 5 फंदे बिना बुने उतार लूंगी। फिर धागे को आगे करूंगी और लास्ट के दोनों फंदों को उल्टा बुन लूंगी। ये मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है। ये है मेरी सीधी तरफ। अब सीधी तरफ मुझे अपना कलर बी, जो मेरा सेकंड कलर है, उसको ज्वाइन करना है। ये मेरा सेकंड कलर है, कलर बी ज्वाइन कर लिया है। अब ये पूरी रो मैं सीधी बनाऊंगी, सीधे फंदों की पूरी रो। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं टर्न करूंगी, उल्टा हो गया ये मेरा। इसमें मैं इसी कलर से, कलर बी से, जो मैंने सेकंड कलर ज्वाइन किया है, इससे पूरी रो उल्टी कर दूंगी। ये भी मेरी हो गई है, ये मेरी थर्ड रो हो गई है। अब मैं फोर्थ रो करूंगी। फोर्थ रो करने के लिए फर्स्ट कलर है जिससे मैंने शुरू किया था, वो कलर मैं लूंगी। उससे पहला फंदा मैं अपना सीधा बुनूंगी इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे अपने उतार लूंगी। 3 फंदे उतार लिए। अब जो देखिए, यहाँ पे ये मेरा धागा आ रहा है, इसके अंदर से सिलाई को इस तरह लेकर और धागे के बीच में से निकालूंगी, फिर यहाँ से ये और इसके नीचे से निकाल के पीछे से धागे को छोड़ दूंगी। तो ये मेरा ऊपर धागा इस तरह से खिंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 फंदे अपने बिना बुने उतार दूंगी। धागा मेरा पीछे ही रहेगा, इसको आगे नहीं करना है। अब उसके बाद फिर जो ये मेरा धागा है, इसको इस तरह से लेके यहाँ से फंदा अपना सीधा बुन लूँगी और इसके नीचे से फंदे को निकाल लूँगी इस तरह से। फिर मैं 5 फंदे से उतार लूँगी। फिर जो मेरा ये धागा है, इसको इस तरह से लेके सिलाई में सीधा इस तरह से और इसके नीचे से निकाल के पीछे से उसको छोड़ दूंगी। अब 3 फंदे उतार लूंगी लास्ट में और जो मेरा लास्ट का फंदा है, उसको सीधा बुन लूंगी। देखिए, ये मेरा इस तरह से आ जाएगा।
ये मेरी 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं और ये मेरी हाफ जाली आती है, ये इस तरह के वी बन जाते हैं इसके अंदर। अब मैं रो 5 करूंगी, ये मेरी उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे पहला फंदा मैं उल्टा बुनूंगी, फिर धागे को पीछे करते हुए 3 फंदे उतार लूंगी, फिर धागे को आगे करके इस फंदे को बुन लूंगी, वो सेम फंदा ही बुनना है, फिर धागे को पीछे कर लूंगी और 5 फंदों को उतार लूंगी, फिर धागे को आगे करके इस फंदे को बुन लूंगी, फिर धागे को पीछे करके 5 फंदे उतार लूंगी। फिर धागे को आगे कर लूंगी और इस फंदे को बुन लूंगी, फिर धागे को पीछे करके 3 फंदे उतार लूंगी और लास्ट का 1 फंदा उल्टा बुन लूंगी। इस तरह का आएगा। मैं अपना कलर चेंज करके पूरी सिलाई सीधी बुन लूंगी अपनी कलर बी से, जो मेरा सेकंड कलर था। ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट फिर करूंगी मैं, नेक्स्ट रो मेरी सेम कलर के साथ पूरी उल्टी आएगी। रो पूरी हो गई है, अभी लास्ट है मेरी 8 रो, तो मेरी 1 डिब्बी पूरी हो जाएगी। पहला फंदा मैं सीधा बुनूंगी जो मेरा पहला कलर है उसके साथ, इस तरह से। अब उसके बाद जो ये धागे के बीच में से, फिर इसी तरह से लेके इस तरह अपना दूसरा फंदा बुनूंगी और इसको इसी धागे में से इधर नीचे निकाल दूंगी, फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लूंगी, फिर इसके नीचे से लूंगी इस तरह से और इसी धागे के नीचे से निकाल, फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लूंगी, फिर इसी धागे के नीचे से लेके इस तरह से निकाल लूंगी, फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लूंगी, फिर इसी तरह से लास्ट के धागे में इस तरह से लेके और धागे के नीचे से फंदे को निकाल लूँगी, धागे के नीचे से निकाल लूँगी, पीछे से धागा छोड़ दूंगी और जो लास्ट फंदा है उसको इसी तरह से बुन लूँगी। अभी देखिए मेरी 1 डिब्बी पूरी हो गई है, 1 डिब्बी के अंदर, 8 सिलाइयों की 1 डिब्बी के अंदर इस तरह से आएगा। 8 सिलाइयों की 1 डिब्बी के अंदर इस तरह से पूरा चकोर बन गया। पहली सिलाई करी थी उसी तरह से शुरू करना है। ये जो बुनाई है ये उल्टी साइड से शुरू होती है, तो यहाँ पे फिर मेरी रो 1 शुरू हो रही है। पहले 2 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे, 2 फंदे बुनने के बाद धागे को अपने चेंज करेंगे, पीछे लेके आएंगे, अब 5 फंदे बिना बुने उतारेंगे, फिर धागे को आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा बुन लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागे को आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा बुन लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 5 फंदे बिना बुने उतार लेंगे। फिर धागे को आगे लेकर आएंगे और लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये मेरी सेकंड रो शुरू हो जाएगी जिसके अंदर मैं अगला करूंगी। अब जो मेरा सेकंड कलर है
उससे मैं पूरी रो सीधी एक बुन लूंगी, फिर पूरी एक उल्टी बुन लूंगी, इसी तरह मैं अपनी बुनाई डालूंगी। ये है मेरा निटिंग पैटर्न 4। इसको जाली या चटाई की बुनाई कहते हैं। ये 8 सिलाइयों की एक डब्बी है, 3 + 6 फंदों के जोड़े होते हैं। इसमें मैंने सैंपल के लिए 21 फंदे लिए हैं, मतलब 3 + 18 जो 6 से भाग होता है। अब इसमें रो वन के अंदर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये बुनाई उल्टी सिलाई से शुरू होती है, ठीक है। तो रो वन के अंदर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, 5 फंदों को उतार लेंगे बिना बुना, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उतार लेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर 5 उतार लेंगे, फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। उतारते समय धागा पीछे रखना है, बुनते समय धागा आगे कर लेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे, ठीक है। रो दो कलर बी से करेंगे और पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। रो तीन कलर बी से करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। जो कलर ए से हमने पहली सिलाई करी है, फंदे भी हम कलर ए से ही डालेंगे, ठीक है। रो फोर के अंदर कलर ए हम लेंगे, जिसके अंदर पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे उतार लेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। सीधा फंदा बुनते समय हमें जो नीचे वाला धागा है उसको भी ऊपर लेना है। रो 5 के अंदर कलर ए की आएगी या उल्टी सिलाई आएगी, इसके अंदर पहली उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर 3 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदे उतार लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे उतार लेंगे और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसमें भी उतारते समय धागा पीछे रखना है और बुनते समय धागा आगे लाकर उल्टा फंदा बुनना है। जो रो 6 है वो कलर बी की है, इसमें पूरी सिलाई हम सीधी करेंगे। रो 7 कलर बी की है, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। और लास्ट डिब्बी में रो 8 है जो कलर ए की है, इसमें पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे जो नॉर्मल सीधा फंदा होगा, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे के अंदर से, जो नीचे वाला धागा होगा उसके अंदर से लाके, फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे नीचे से धागा लेकर, फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे नीचे से धागा लेकर, और फिर 5 फंदे बिना बुने उतार लेंगे और जो एक फंदा है अगला फंदा है उसको धागे के नीचे से लेंगे, सीधा बुनेंगे धागे के नीचे वाले धागे से लेकर, और आखिरी का एक फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह मेरी 8 रो की ये एक डिब्बी बनेगी। आई होप आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आएगा। आई होप आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट फर्दर। थैंक यू।